काम तो खूब आराम कर लिया भाई थोड़ी देर, और तेज बना गया काम। फोन आ रहे हैं, ओ आज दीदी तो बड़ा दिनों बात कर रहा भाई, उठा आपको तो उठा दीदी को फोन, मेरे उठा लिया ना, इतना नाराजी से। हेलो हेलो भाभी जी, क्या कर रहे हो? ए भाई काम करके अब आराम कर रही बैठी हूँ। भाभी जी नौकरी लग गई मेरी है? हाँ ये भाई मैं तो आज बहुत खुश हूँ, मैं आ रही हूँ घर। बोल रहा क्यों भाई मैं? और चुटा तो मैं आ रही हूँ घर, आ रही हूँ घर मैं। हाँ आप भाई आजा, अच्छा सा बना के रखना खाने पीने का ना। ठीक है भाई मना हो गया को तुम बना ले सोने। हाँ जाओगा? बस अभी थोड़ी देर में निकल रही हूँ घर से। चलो ठीक है ना, तुम थल भाई ने फोन करके बताओ, आप खुशखबरी तो सर बताओ मैं। ठीक है भाई ने फोन किया। हेलो थाने एक खुशखबरी दूं? हाँ बताओ क्या दूं? भाई नौकरी लग गया, हम नाराज करा रही है तो भी की तैयारी कर सा, और के चाह करे पहले छोड़ करा वजना वा चीज ले आके दो मन जल्दी से जल्दी, और यहाँ कहा भाभी अच्छे से खाना बना। हाँ बाकी क्या करे हैं भाभी ने बात दिशा, वो की बोला करे हैं सरप्राइज की बोल की बोला करे हैं भाभी ने दिशा। हाँ सुन रही है मेरी तो, चलो ठीक है ते सामान लियो मैं तैयारी कर लूँ तेरा। हाँ ठीक है क्या क्या आराम करूं, आज तो मेरा खुशी होगी, अब तो मेरी थकान ही दूर होगी, मैं तो भाई नौकरी लग गई रे, मजा आ गया भाई, देखो बेचारी नौकरी लग गई। फोस तो गई भाई, आज तो भाभी और खुश हो जाएंगी, मैं उनके जैसा पहनावा पहन के आई हूँ, आज सरप्राइज दूंगी उनको जाके, चौंक जाएंगी आज तो भाई, आज क्या पहन के आई है, चला नहीं जाता लेकिन इसमें। भाभी जी कोई बात नहीं लग लो तो, अब तो खुश हो, तो अच्छा सा है, बहुत अच्छा है। पिछली बार तो थे मेरी बेइज्जती कर दी। हाँ आप सरप्राइज नहीं हुए मेरे को देख के? हाँ देखो, अरे भाई मैं तो सेंट का चक्कर में मत देखियो, कर बहुत सुंदर लग रहे हो। अरे भाई बस 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 चक्कर आ जाएंगे। पिछली बार दिया था ना मेरे को मोरूडा के डाके मोरूडा भी मेरे से पहना ही नहीं गया, इतनी देर तक तुम्हें पहनती रही, फिर चलने में इतनी दिक्कत आई, पूछो मत भाई। आज के बताऊं मैं तो खुशी हूँ पगली होगी। हाँ मैं सोची आज तुम को सरप्राइज दूंगी, रो दिखाने सही हो कि गलत हो, और बड़ा जोर से की बड़ी तो कैसे चूट के काई को बोलते, मेरे को पता नहीं ऐसे इसको बोलते क्या चूट क्या? और तो थप्पड़ मार लो भाई। अच्छा फिर ऐसे इसको चूट क्या? अच्छा 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 चलो फिर मेरे को बाद में सिखाना अच्छे से। एक सरप्राइज है, उरा खिला रहा हूं, आंख बंद कर लो। थोड़ी सी सीखी भाई, इस दिन कुछ पढ़ने को नहीं आवा, सरप्राइज ही कहता होगा। खोल लूँ क्या? वेलकम। ओहो कितना सोना सा लग रहा हो, स्वरूप सा लग रहा हो, नेताजी बना दिया मन तो आप। नेताजी को तो नौकरी करके आए, माला नंदोई जी के ठे मिलाओ मान। ये मेरी तरफ से आपको नंदोई जी, तो पता नहीं कब तक आएंगे। हां नंदोई जी ले आई। हां अरे भाई अच्छा ये गजरे वाली अब ये गुरु देख ले। हां और क्या करोगे फिर? मैं कुछ कर रही हूं, क्या करोगे तो अबे इतना भी। ओ ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? अरे मेरे को बताओ तो सही क्या है ये? अरे भाई यहाँ का फूटना लग रहे हैं, ये भाई कितना स्वरूप लग रहा भाई थे। बस अब मेरे को शर्म आ जाएगी, इतनी भी क्या तारीफ कर रहे हो आप? वो भाई थे बहुत ही स्वरूप आ रहे हो, आज तो यार ये थाना ने काला जगह मांगा लू मेरे। ओ सच्ची में? हाँ। तो अब मेरे को अंदर तो बिठाओ तो इधर ही के बिठाऊं, बस खुश हूं पागल हो गई। हां क्या चीज है भाई, मेरी नंद नौकरी लग गई,
आज मैं बहुत खुश हुई, खुशी बस का बस। तो अब संभाल के रखो थोड़ी खुशी को। मेरा तो यही गोबर में ही काम हो ना गया नहीं, कहाँ गई भाभी जी भी वापस से। भाभी जी हाँ भाई, आ जाओ, तो अब बैठेंगे बातें करेंगे, आ जाओ। वो भाई आई। हाँ आ जाओ भाई। बाबाई तो खाए तो यहाँ कोई बात छोट के तो बेचारी अब आवा को नट गई आज छोट के गयो ना। तो अरे यार भाई तो यहाँ कड़को फुड़को से खा जाओ, फटेड़ो दूध मंगा के गाल दियो। मैं तो कुछ खा लेगी भैया, अब के बुरूर की खावा इन दी मुर ना, मेरे की समझ में भी कोनी आवा। मैं तो जानी उरा के मारवाड़ी सीख गयो सी सुनवा तो कोनी। भाभी जी करा तो देख सू जाऊँ दिखाने के खेगी, डर तो लागे भैया ननदा को बुजुर्ग को। जिया ननद सब नौकरी लाग गए जो मेरे तो धड़कन धक 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 करा के तो नौकरी ला के किबरो को सो कुछ आदमी भाई बेरो ना भाई की बुरो मेरा प्यार भी करे तुम लोग दिखाओ की बोलती होगी। भाभी जी भाई हाँ आ रहा हुआ पानी आज तुम ना मत करो, खा लिया ना बोतली मंगा ली ठीक है, मंगा ली और पी लियो। अब मैं ना मेरे को आज भारी अच्छा सा कुछ खाने का मन, आप ये हल्का फुल्का लिया है। मैं तो घर से भी कुछ खा के नहीं आई। आप भाई आज फलका डाइट कौन वाला बनाया? आज मेरे को फलका कौन बनाया? तो भाई फलका थोड़ी फटेड़ो दूध है। हल्का हल्का बोल रही हूँ मैं, हल्का खाने का बना दिया आपने आज। क्या भाई मेरे को समझ में आए? अरे भगवान मेरे का कुछ मेरे को हल्का फुल्का तो खाना ही नहीं था आज, तो मेरे को कुछ अच्छा सा भाई खाना था। कहते थे समोसा मंगाया तो देखो की कि बुरु की है कि तभी भी कमाने के नाम ले वो हो जना। मैं तो मंगाया को नहीं तो अब मेरे को आदत हो गई, तो मैं यहाँ 5-6 महीने से रह रही हूँ तो मेरे को आदत हो गई। बाजरा का रोटा बना लो वो भी चल जाएगा। तो कबीर बाजरे रोटी बना के आज सुधाना आज ना मन तो बहुत ही चोखे लग गया। और बताओ थे अभी अब इतने ही खाते हो रोटी है? अभी इतनी रोटी खाते हो? 15 हाँ, 15 15 रोटी भाई मैं तो पूरे दिन काम करूं तो 15 रोटी तो भाई 15 अब तो रोटी मेरी भी काम बढ़ गई रोटी, पहले तो मैं कम खाती थी अब देखो बड़ी ने हाँ। बड़ी ने अबे मेरी काम रहता ना कि ब्रो मैं किस सब पूछा के खाता मैं कहो बोलो तो बड़ा सांप सा हूं बिल के ब्रो के खिंचाऊं मैं आऊं चाउमीन बोल दे चाउमीन बोल दे चाउमीन और एक खाएं रोटो बनाऊं मोटो सो हाँ। और वो खाए बो मही मही रोटो है मोटो के पिज्जा पिज्जा बोल दे पिज्जो कौन के हाँ। अरे भाई मन ने क्या था अभी पिज्जो मन को जो खुला गया भाई क्यों अच्छा तो आप टेस्ट करना एक बार बहुत अच्छा लगता है। शहर में सब लग गए भाई था ना रोज ना बहुत अच्छा लगता है, गांव में भी अच्छा लगता है शहर में और ही ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ। यहाँ कहीं बाहर नहीं को निकलो ही माँ ही माँ हाँ, अंदर ही अंदर रहते एक रूम एक मकान से ले निकल को माँ ही माँ रहो माँ ही ना हो माँ ही खाए सब पर भाई माई नानो क्या को नानो तो फिर कहा रोड पे थोड़ी जाए नाने आपने घर देख अपना भाई बना रखे हैं नानियों घर है बाथरूम और सारा वहां कमाई ना लिया पर दोबारा ना जाके ना हुआ माए तो भाई गंदगी फैल जाए बदबू आवा है फिर है ही नहीं तो नाने का ही नहीं है कहाँ फिर कहाँ जाए नाने। और तो अभी छोटकी भाई को भी फोन आया था राम रूम में दिए बा हाँ उसका क्या हाल है अच्छा है ना भाई बा आपको काम का डर लगी भाई अब तो भी की सासू थरौंड रुकी हाँ तो ऐसे दबा के रखना चाहिए सासू की बाबा भान है ना बोझ के खतरनाक तो ऐसे तो। वाले मन नहीं डरागी तो भाई थे नौकरी लागा मन डर लाग गया थारू नो डरने की मैं तो इंसान ही तो हूँ नौकरी तो कोई लग जाता है आज के ब्रो थे यहाँ कहो ना नौकरी तो मेरे तो धरती आसमान एक हो गखर खुड़का पला भाई नौकरी लागी फिर ना मेरे संग के करेगी कुछ ही नहीं आपको खुश होना चाहिए भाई मेरी ननद खुश तो भाई देख सरप्राइज दे दिया आपने तो अच्छा खासा है पर पण मेरो टीवी का मां देखियो डा टेलीविजन देखा करू ने ना कि नौकरी लाग गई जना ने मैंने बकरिया करे के क्या करे अच्छा अच्छा स्वागत हां जना मुख भाई ना भाई परस्या माला अपने घर आ पहली बार आई है अपने भाई का करस्या भाभी प्रोग्राम और बता दो थे गीत गाते भी गा करे के नहीं नहीं गीत भी तो नहीं गाते गीत थोड़े गाते हैं तो मन भी रोको नहीं भाई की नौकरी लाग गई गीत गाना हो तो आप ही गा लो अच्छा सा ये भाई मन को नहीं तो फिमली गाना गाया करो बे फिमली मनाओ को नहीं फिमली नहीं हाँ। फिल्मी बोल दे उनको फिल्मी गाने ओ गोड़ा आपको अभी भी नहीं आया ना बोलना कुछ भाई भी मन कह कबूतर सीख लियो थार गांव पा अच्छा ए सीख लियो हाँ। कैसे खरगोश को भाई ते गांव पा तो ना मैं 4-5 आंख सीख गई अच्छी बात है फिर और कुछ तो मैं हिंदी में बोल के आई बार ना जाके फिर आपको आप भी लग जाओगे तो नौकरी ऐसे पढ़े जाओ आप आराम से भाई मैं तो गोबर में सिर रखू क्या को नौकरी ना गोबर में क्यों काय को रखते हो सिर भाई हाथ से उठाए करो कहा जोर का सुंदर कहीं फूट रहा हो रहा हो भैया थोड़ी हिंदी तो मन लिया
सुंदर सीख लिया टीवी हाँ। मॉडल टीवी देखू अच्छा सुंदर बोलना सीख हाँ। लिया मैं इंदियाड़ो चैनल को नहीं आके हाँ। वो देखू चैलेंज पूरा चैलेंज देखू मैं की कमाल है नहीं हिंदी में क्या बोल चैलेंज नहीं चैनल मेरी तो नंद नौकरी लग गई और हिंदी में बात करूंगी मेरे तो सिखा दी हिंदी में और बताओ बस वो छोटी वाली का वो नहीं आई अब इन दिनों में भाई थे कदे था ना पहले थे तो ना अब मैंने अचानक सीखो ना इन दिनों में बिन बुलाती बेचारी हेलो हाँ ओ पापा की तबीयत खराब होगी कर दी है टेक आगू ओ भाई अच्छा ऑपरेशन के लिए बता ओ भाई मैं कठाऊ लाऊ पिस्सा मोबाइल फोन करके पूछू ये रुक जा हाँ बाद में बता सू भाई भाई तो फोन कर दी बेचारो छोटो टाबर वो कठाऊ लाओगू हेलो मेरे पापा की तबीयत खराब है पिस्सा चाहिए टेक आगो हाँ ऑपरेशन कराओगो डॉक्टर रबो के जल्दी से जल्दी ते पिस्सा करो और मैं ऑपरेशन कर दूँ हाँ हाँ मैं कठाना हूँ मेरे को नहीं ठीक है 2 लाख ही दो लाख तो थे लाओ जल्दी से कराओ हाँ ठीक ठीक है भाई ने बुझो दिखाने भाई नौकरी लग गई कि अखे दिखाने भाई हाँ भाई मैं एक काम आई हूँ थरकन बोलो क्या हुआ क्या बात हो गई पापा की तबीयत खराब होगी हाँ जो पापा का टेक आगो तो पिस्सा चाहिए भाई 2 लाख रुपए तो थारू भाई ले रहे हो और जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराने आ रहे हैं कि मान लो जल्दी से जल्दी कराओगा जो ठीक हो जाएगा अब भाई मन पिस्सा चाहिए थे तू नौकरी लगा थे कितने पैसे चाहिए 1 लाख रुपए चाहिए भाई अब नौकरी तुम अभी लगी हो 10-15 दिन ही हुए अभी तो आई नहीं से लगी था तो सर मत उठ थार कन पिसा ही थोड़ा सा तो कर दो मेरे पापा के लिए आज काम आओ मेरा अभी मोटा दे दूंगी थाने मेरे ठाऊं बेच के दे दूं अपना बच्चा ने ठाऊं पे गिराऊं मेरे पास है नहीं मेरे 1000-2000 की बात होती तो कोई वो नहीं है इतने तो नहीं है मेरे पास इतने तो मैं कहां से लाऊं अभी मेरी सैलरी भी नहीं आई तो मैं बैठाऊं लाऊं भाई की करूं भाई तू नटगी भाई कन तो पिस्सा भी होगा भी बुब्बी के बरो पर भाई तू नटगी की करा भाई कुछ सोचा छोटी वाली को करती हूँ फोन देके क्या कर रही है हेलो भाई आगे के अरे मैं तो आई हुई हूँ तू कहाँ है तू आ जा मेरे से मिलने मैं इधर भाभी के घर ही हूँ मैं से बोल रही थी भाभी वाले पापा है ना उनके अटैक आ गया उनको पैसों की जरूरत है मेरे से तो 1 लाख मांग रही थी लेकिन मेरे पास तो नहीं है तेरे पास भी कहाँ होंगे पैसे मेरे पास है तू देख ले तेरे हिसाब से ठीक है ना भाभी हाँ भाई और भाई मन तो दीदी को फोन आए जो हाँ भाई तू तू उदास मत है ल हॉस्पिटल में सब ध्यान रखूंगी तू जा पहली बार की ठीक है राम राम जी सारा ने और मारो वीडियो को शौक लागो थे बतायो और कोई नहीं मना नहीं करना चाहे आदमी जब बीमार हो ना तो पिस्से के लिए चाहे और कोई कुनू भी ला दो आदमी की जान बचानी जरूरी है और लाइक शेयर कमेंट करो वीडियो ने और ज्यादा आगे से आगे पहुंचाओ और मारो वीडियो के शौक लग गयो और पढ़नो भी बहुत जरूरी आदमी ने अब पढ़ा दी लिखा दी आपकी भाभी ने और खुद ने गया नौकरी लाग और राम राम जी।